हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम कैच करेंगे आर्टिक्यूनो, जेपडोस, मोल्ट्रेस और म्यू टू को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आगे हम कैच करेंगे आर्टिक्यूनो को। आर्टिक्यूनो को कैच करने के लिए आपको फ्यूचर्सिया सिटी में आना है, फिर फ्यूचर्सिया सिटी के थोड़े नीचे रूट 19 में आना है। यहाँ से हमें सीफॉर्म आइलैंड जाना है, वहाँ हमें आर्टिक्यूनो मिलेगा। आर्टिक्यूनो तक पहुँचने के लिए आपके पास सी स्किम टेक्निक और स्ट्रॉन्ग पुश टेक्निक होने चाहिए। आगे आपको यहाँ से सी स्किम टेक्निक का यूज करना है और यहाँ से सीधे सीधे जाते रहना है। फिर यहाँ से लेफ्ट लेना है। आपको यहाँ जो आइलैंड दिखेगा वही सीफॉर्म आइलैंड है। आपको यहाँ आना है, फिर सीफॉर्म केव के अंदर जाना है। आपको यहाँ आ जाना है। आपको यहाँ एक रॉक दिख रहा होगा, आपको स्ट्रॉन्ग पुश टेक्निक का यूज करके इसको इस होल में पुश कर देना है और खुद भी उस होल में जंप करना है। फिर आप यहाँ आ जाएंगे। आपको फिर से उसी तरह करना है, रॉक को होल में पुश कर देना है और खुद भी होल में जंप कर देना है। उसके बाद आप इस जगह पर आएंगे। आपको यहाँ ओनली रॉक को होल में पुश करना है और आपको यहाँ पर आ जाना है। फिर वहाँ से आपको यहाँ आ जाना है। फिर आपको चलते चलते यहाँ आ जाना है और इस रॉक को इस होल में पुश करना है और खुद भी होल में जंप कर देना है। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। आपको यहाँ भी उस रॉक को होल में पुश कर देना है और खुद भी होल में जंप कर देना है। आप यहाँ आएंगे, आपको यहाँ पर भी रॉक को पुश करना है और खुद भी होल में जंप कर देना है। आप यहाँ आएंगे, आपको सी स्किम टेक्निक का यूज करके यहाँ आ जाना है। फिर थोड़ा आगे आना है, यह आपको उस तरह होल में पुश करना है जिस तरह मैं कर रहा हूं। फिर आपको भी होल में जंप कर देना है और यहाँ सीधा आ जाना है। आपको आपके सामने आर्टिक्यूनो देखने को मिल जाएगा। आगे आपको इसको पेंट करना पड़ेगा, फिर आप इसको कैच कर सकते हैं। इसको डिपीट करने में तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, बस इसको कैच करने में मुझे बहुत टाइम लगा। जेपडोस को कैच करने के लिए आपको सेरुलियन सिटी जाना है, फिर वहाँ से रूट 10 में आना है। कैसे वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जेपडोस को कैच करने के लिए आपके पास ओनली सी स्किम टेक्निक होनी चाहिए। आपको सेरुलियन सिटी से यहाँ रोड 10 में आना है, फिर यहाँ से सी स्किम टेक्निक का यूज करना है और यहाँ पर आ जाना है। यहाँ से आपको अंदर जाना है, फिर सीधे जाते रहना है और फिर राइट लेना है, फिर नीचे आ जाना है यहाँ। फिर यहाँ से आपको जिस तरह मैं जा रहा हूँ उस तरह जाते रहना है। आपको यहाँ जेपडोस मिल जाएगा। जेपडोस को पेंट करने में तो टाइम नहीं लगा, बट उसको कैच करने में बहुत ही टाइम लगा। मोल्ट्रेस को कैच करने के लिए आपको रूट 23 में आ जाना है। विक्ट्री रोड में हमें मोल्ट्रेस मिलेगा। आपको जिस तरह मैं कर रहा हूँ ठीक उसी तरह करना है। आप इजीली मोल्ट्रेस तक पहुंच जाएंगे। आगे आपको यहाँ आना है, फिर यहाँ से आपको यहाँ आना है। उसके बाद यहाँ आना है, फिर आपको यहाँ आ जाना है। फिर आप यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको मोल्ट्रेस मिल जाएगा। मोल्ट्रेस को आप तभी कैच कर पाएंगे जब आपके पास 8 के 8 जिम बैच हो जाएंगे, क्योंकि तभी आप विक्ट्री रोड में आ पाएंगे। आर्टिक्यूनो और जेपडोस को आप 3 बैच होने पर भी कैच कर सकते हैं। म्यूटू को कैच करने के लिए आपको सेरुलियन सिटी आना है।
फिर यहाँ इस जगह पर आपको आ जाना है, ये सेरुलियन केव है। इसके अंदर आप तभी जा पाएंगे जब आप चैंपियन बन जाएंगे। आपको केव के अंदर जाना है, फिर वहाँ स्कीम टेक्निक का यूज करना है और यहाँ आ जाना है। फिर यहाँ से ऊपर जाना है, फिर यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ नीचे आना है, फिर उस तरह करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। थोड़ा चलने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से आपको सी स्कीम टेक्निक यूज करना है और यहाँ आ जाना है। यहाँ आपको म्यूटू मिल जाएगा। म्यूटू को आप आराम से मास्टर बॉल से कैच कर सकते हैं, बट आपको इसको फेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसका लेवल 70 है और ये एक ही अटैक में पोकेमोन को फेंड करते जा रहा था, बट लास्ट में मैंने इनको कैच कर ही लिया। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।